चोरों को डर लगने लगा है चौकीदार से। शेर को हराने के लिए पूरे गीदड़ इकट्ठे हो गए हैं। असल में ये तो बहरूपिये जो होते हैं ना, बहरूपिये बार बार रंग बदल रहे थे, बहरूपिये आते हैं और कपड़े बदल लिए उन्होंने, कभी पुलिस की ड्रेस पहन ली, कभी कुली की ड्रेस पहन ली, कभी किसी का भिखारी बन गए। तो ये तो राहुल गांधी जी वही काम कर रहे हैं। वो बोझ है जनता के ऊपर, देश के ऊपर बोझ है। वो क्या अब जनता का बोझ उठाएंगे, अपना खुद का देखे वो आराम से घर में बैठे। अब भारतीय अब राजनीति छोड़ देना चाहिए उनको। अरे वो कुली भी बन जाएंगे, चाहे वो सब चीज बन जाएंगे, पर वो कभी एक प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। कमलनाथ जी किसी काम के नहीं है, नहीं है, फटे ढोल है, वो बजते हैं, आवाज नहीं आती। कमलनाथ जी नहीं, कटे हाथ को नहीं चाहिए, करप्शन नाथ नहीं चाहिए हमको, कलंक नाथ नहीं चाहिए हमको। गठबंधन नहीं है, ये ठग बंधन है, क्योंकि मोदी जी भारी पड़ रहे हैं और 33% का आरक्षण, ये सोचिए कभी सोचा था किसी ने? कमलनाथ जी की सरकार नहीं आ रही है, भारतीय जनता पार्टी आ रही है। क्या नाम हो गया मैम? सुषमा चौहान। सुषमा जी, आपको क्या लगता है, चुनाव नजदीक है और महिलाओं को ध्यान में रखकर कुछ योजनाएं चलाई गई हैं, तो महिला क्या सोचती हैं इस चुनाव के बारे में? देखिए, ये योजनाएं कोई अभी से तो चलाई नहीं गई है, ये तो पहले से योजनाएं चल रही हैं महिलाओं के लिए। चुनाव में ध्यान रख के नहीं चलाया गया, ये सिर्फ चलाया गया महिलाओं के हित को देखकर। चाहती है मामा की वापसी फिर से? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं चाहेंगे भाई। कमलनाथ जी को क्यों नहीं? नहीं क्यों भाई, कलंकनाथ हमें नहीं चाहिए, क्या करें भ्रष्टाचार के लिए, भ्रष्टाचार के लिए कमलनाथ जी को लेकर आए। जो 15 महीने की सरकार उनकी आई थी, उन्होंने संबल कार्ड योजनाएं, लाडली लक्ष्मी योजना बंद कर दी, मतलब जनता के हित की जो योजनाएं थी उनको बंद कर दिया। ये गलत बात है, ऐसी सरकार हम बिल्कुल नहीं चाहते, उसका विरोध करते हैं। राहुल गांधी का कुली बनना क्या चुनाव में प्रभाव डालेगा क्या? बिल्कुल नहीं डालेगा, ये तो बहरूपिये जो होते हैं ना, बहरूपिये बार बार रंग बदल रहे थे, बहरूपिये आते हैं और कपड़े बदल लिए उन्होंने, कभी पुलिस की ड्रेस पहन ली, कभी कुली की ड्रेस पहन ली, कभी किसी का भिखारी बन गए। तो ये तो राहुल गांधी जी वही काम कर रहे हैं, जनता के नायक जनता के बीच में रहते हैं। जनता के नायक, जनता का नायक नरेंद्र मोदी जी है, जनता के नायक शिवराज सिंह चौहान जी है, जनता के नायक विश्वास सारंग जी है। आप ये देखिए हमारे यहाँ के नेता को, ये जन जन नीचे स्तर पर आकर समस्याएं सुनते हैं जनता की, और जनता के हित में जो होता है वो काम करते हैं, ना कि ये चौचलेबाजी करते हैं कि हमने कहीं इसकी ड्रेस पे। हाँ पूरे कुली बनने से राहुल गांधी चुनाव का माहौल बदल देंगे? बिल्कुल नहीं बदल पाएंगे, बिल्कुल नहीं बदल। एक हंसी का और मात्र वो बने हुए हैं, पात्र बने हुए हैं, बैग उठा के लेके चल रहे हैं जी, जनता का बोझ भी उठा के लेके, हंसी का पात्र बने हुए हैं उनको, तो बैग भी तो खाली था, हल्का बैग क्या लेके चलेंगे वो जनता के साथ? जनता के साथ कुछ नहीं लेके चल सकते, जो भी लेके जाएंगे हमारे। कुली क्या करते हैं, बैग ही उठाते हैं ना, तो बस वो बैग उठा के चल रहे हैं, कुली का काम कर रहे हैं, कुली ही रहना है उनको। कुली जनता का बोझ भी उठाएंगे, समझ लीजिए, जनता का बोझ नहीं उठाएंगे, जनता का बोझ नहीं उठाएंगे, वो बोझ है जनता पर, जनता का बोझ वो नहीं उठा पाएंगे, वो बोझ है जनता के ऊपर, देश के ऊपर बोझ है। वो क्या अब जनता का बोझ उठाएंगे, अपना खुद का देखे वो आराम से घर में बैठे। अब भारतीय अब राजनीति छोड़ देना चाहिए उनको, और ये बहरूपी अपन छोड़ देना चाहिए, बिल्कुल छोड़ देना चाहिए राजनीति। प्रधानमंत्री बनेंगे लोग कहते हैं, प्रधानमंत्री, अरे भाई देश को चला पाएंगे वो? अरे आप कह रहे हो ये ऐसे, बाइक भी सुधार लेते हैं भी बन जाते, उतना ही रहेगा उनको, तक ही है बाइक सुधारना, गाड़ी खेत में भेजिए जरा उनको, हल चलवाइए, ट्रैक्टर चलवाइए, बस फोटो नहीं खिंचवाना, फोटो खिंचवा रहे थे, जरा जाइए बोनी करवाइए, किसानों से पूछिए किसानी कैसी होती है, वो क्या किसानी करेंगे, है ना? हाँ और क्या, अच्छा वाला काम कर रहे हैं मोदी जी, क्या जरूरत है उनको फालतू टांग फंसाने की? 26 पार्टियों को लेकर साथ चलेंगे, प्रधानमंत्री बने, बचा उनके पास अब कुछ नहीं बचा है, चोर है, सारे चोर इकट्ठे हो गए, सारे चोर इकट्ठे हो गए, एक ईमानदार व्यक्ति नरेंद्र मोदी जी के लिए सारे चोर, इससे जो अच्छा होगा ना उसके पीछे ही लोग पड़ते हैं, इसीलिए उन्होंने ठग बंधन बना कर रखा है, इसीलिए ठग बंधन हम सब एक हो जाए, ठग बंधन इसीलिए बना कर रखा, अगर हाँ ठग बंधन बनाया नहीं कोई नहीं है, चोरों को डर लगने लगा है चौकीदार से। शेर को हराने के लिए पूरे गीदड़ इकट्ठे हो गए हैं, असल में वो हरा भी नहीं पाएंगे कभी, मोदी जी को कोई नहीं हरा सकता, मोदी कोई नहीं हरा सकता, बिल्कुल मोदी जी ने इतना हम लोगों बहनों के लिए, हर वर्ग के लिए उन्होंने काम किया है, आज शेर है मतलब, हाँ बिल्कुल शेर है। सवाल पूछूंगा, राहुल गांधी कुली बने हैं तो क्या कुली बनने से चुनाव का माहौल बदल जाएगा?
कुछ नहीं बदलेगा, कुछ भी नहीं बदलेगा, ये सब दिखावटी पना है, दिखावटी। अरे आप नहीं, कुछ नहीं है, जनता उनको चाहती नहीं है, सीधी सी बात। तो वो कुली क्या, वो तो सीपर भी बन जाए फिर भी जनता उन्हें नहीं चाहेगी, बाइक सुधार वो तो भाई साहब वो तो हम आप भी कर लेते हैं, उसमें कौन सी बड़ी बात है, वो तो हम भी कर सकते हैं। किसान बन जाते हैं, किसान जो सही खेती है वो करके दिखा दे, वो तो ट्रैक्टर तो आप भी चला लोगे, आपको हम स्टेयरिंग पकड़ा देंगे, आप भी बैठ के चला लोगे। राहुल गांधी में गुण नहीं है क्या, प्रधानमंत्री गुणी है वो, अब गुणी है, उनने बहन बेटियों की कभी इज्जत की नहीं की। आज मेरी बेटी, मुझे गर्व है मेरी भारतीय जनता पार्टी सरकार पे कि आज मेरी बेटी लाडली लक्ष्मी योजना के तहत उसको एक लाडली बेटी बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। हम बहनों को गर्व है कि हम लाडली बहनें बनी, तो ये सब हमारे मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी का हम पे आशीर्वाद है, हम बहनों पे। तो प्रधानमंत्री सिर्फ मोदी मोदी और यहाँ मामा मामा कमलनाथ जी और राहुल जी कहीं नहीं, कचरे के डब्बे में, डस्टबिन में। स्वच्छता अभियान चल रहा है अभी भाई, का सारा कचरा हम बाहर निकाल रहे हैं, सारा कचरा छाट छाट के बाहर फेंक दिया जाएगा मध्य प्रदेश से, और हम तो कहते हैं पूरे भारत से कचरे को हटा दिया जाएगा। है कौन पर? कचरा है कांग्रेस पार्टी के कुछ चुरकुट नेता जो मोदी जी के खिलाफ हैं, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हैं, शिवराज जी के खिलाफ हैं। ये कचरा है, ये कचरा है, कूड़ा है, जो सिर्फ आते हैं वोट बैंक की राजनीति करते हैं और चले जाते हैं, पाँच साल दिखते नहीं है, चुनाव के टाइम पे नए नए कुर्ते सिलवा लिए और हाथ जोड़ने के लिए आ गए। हिंदू भी बन जाते हैं, हाँ हिंदू भी बन जाते, हिंदू और मुस्लिम की क्या राजनीति, वो कुछ ही बन जाते हैं, लेकिन हिंदू मुस्लिम की बात हम नहीं कर रहे हैं, पर बस ये है कि वो चुनाव के टाइम पे आते नए नए कुर्ते सिलवा के और आज और चुनाव गया और निकल गए, पाँच साल पता ही नहीं रहता कहाँ है। भारतीय जनता पार्टी के पूरे नेता बेचारे पाँच साल जनता के बीच में रहते हैं, तो बताइए फिर क्यों नहीं हो बीजेपी सरकार। महिला क्या सोचती हैं मामा के बारे में? महिला ये सोचती हैं कि जो जिस मामा ने हर वर्ग में सोचा है, उन्होंने वर्गों का भी ये नहीं देखा कि ये वर्ग को करना है कि ये वर्ग को नहीं करना, हर वर्ग के लिए शिवराज मामा ने काम किया है और ऐसी ऐसी योजनाएं चलाई हैं जिससे बुजुर्ग से लेकर जन्म से लेकर मृत्यु तक की सारी योजनाएं चलाई हैं, और बुजुर्गों के लिए भी आप बताइए क्या नहीं करा, सब करा है, इसलिए मैं बिल्कुल सब हो रहा है। ये कुछ लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी जब यहाँ रैली करेंगे तो तब माहौल देखना, अलग ही माहौल। हमें आलू से सोना नहीं बनवाना, राहुल गांधी जी क्या करेंगे यहाँ के, वो तो खुद हाँ जनता के नायक हो चुके हैं, अब कुली बन गए हैं, अब अरे कुली बने, अरे कुली बन गए, कुली बन के ही रहेंगे, कुली बन के ही रहेंगे, वो कुली से कुली बन के ही रहेंगे, ठीक है ना। और उनके लिए 10,000 आदमी इकट्ठा होना बहुत मुश्किल है, और हमारे शिवराज सिंह भैया ने काम किया है और आगे भी भैया ने काम किया जी, बिल्कुल किया है। कमलनाथ जी कह रहे हैं ना मैं मामा हूँ ना मैं चाचा हूँ, मैं तो जनता का भाई हूँ। कोई नहीं है, कब से है भाई, क्या किया उन्होंने और कौन सी बहन उनके लिए खड़ी है? मैंने कहा उनने किया क्या बहनों के लिए, बहनों के लिए जो भी किया है हमारे शिवराज सिंह माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री हमारे मामा जी ने किया, मामा जी हमारे भाई ने किया है, हमारे भाई हैं, बहनों के लिए कितना किया उन्होंने ये तो कोई कर ही नहीं सकता। तो इस बार बहनों ने मन मना लिया है कि भैया की सरकार, बिल्कुल बिल्कुल भैया की सरकार, जिंदाबाद जिंदाबाद शिवराज मामा, जिंदाबाद मोदी जी, जिंदाबाद। लगता है जब मोदी जी यहाँ रैली करेंगे तो क्या माहौल होगा, क्या माहौल पूरा बदल जाएगा? बिल्कुल बदल जाएगा, पूरा भव्यता से मतलब पूरा पूरा प्रदेश भारतीय जनता पार्टी मय हो जाएगा। गठबंधन भी तो है, गठबंधन किया है मोदी को हराने के लिए, वो रैली करने वाले थे, सारे चोर एक साथ हो गए, अब एक एक ईमानदार नेता को हराने के लिए सोचिए ना, सारे चोर है ना, पूरे चोर एक हो रहे हैं, यानी चोर है और चोर पर मोर मोदी जी हैं। ये ठगबंधन है, गठबंधन नहीं है, ये ठगबंधन है, क्योंकि मोदी जी भारी पड़ रहे हैं और 33% का आरक्षण, ये सोचिए कभी सोचा था किसी ने? सवाल करने वाला था कि महिलाओं को बढ़ाने के लिए नारी शक्ति की बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, 33% महिलाओं को आरक्षण देने की जो दो बिल मतलब बिल पास हो चुके हैं राज्यसभा और संसद, कानून बनने की बस देरी है, तो कितनी खुशी है आप ये बताइए। बहुत खुशी है महिलाओं को, महिलाओं के लिए इतनी योजनाएं आ रही, महिलाओं को 33% आरक्षण विधानसभा उसमें दिया जा रहा है, नगर निगम में भी 50% आरक्षण है। सोचा था वो हमारे माननीय मुख्यमंत्री और नरेंद्र मोदी जी ने कर दिखाया है, इसमें हमें हम सब बहनों को उन पर गर्व है और गर्व होना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी मामा पे मतलब भैया पे गर्व, भैया पे गर्व है। कमलनाथ जी भी तो हैं, कमलनाथ जी किसी काम के नहीं है, नहीं है, फटे ढोल हैं वो, बजते हैं आवाज नहीं आती, तो कह रहे जब हमारी सरकार थी 15 आएगी ना, अभी आई तो नहीं है ना, आने जब हम आने देंगे तब तो आएगी, नहीं आने देंगे, नहीं चाहिए हमें, नहीं चाहिए भ्रष्ट, नहीं चाहिए,
करप्शन ना नहीं चाहिए। इससे पहले आप ये बताइए, जब कांग्रेस की सरकार थी उनने क्या किया? आपकी माताएं उस उम्र में जब उनकी सरकार थी, आज तक उनने क्या महिलाओं को बाहर निकाला? मतलब इतनी आजादी मिली जो आज हमको मिल रही है, 33% आरक्षण जो हमको आज मिला है, इससे पहले मिला क्या किसी जी के? इस कदम को किस तरीके से देखती है? सराहनीय है, सम्माननीय है, आतिथ्य है, हमारे लिए गर्व है, मोदी जी हमारा गर्व है। नारी शक्ति की बात प्रधानमंत्री मोदी करते हैं तो उस कदम को लगातार बढ़ा रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, हमारी सोच ये है कि हम उनके कदम से कदम मिलाएंगे और उनको आगे बढ़ाएंगे, जो वो हमारे लिए कर रहे हैं बहुत सराहनीय सम्माननीय। कदम मिला रहे हैं, राहुल गांधी आज कुली भी बन चुके हैं। अरे वो कुली भी बन जाएंगे, चाहे वो सब चीज बन जाएंगे, पर वो कभी एक प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। वो उसी लायक है, वो खुद का बोझ नहीं उठा पा रहे, दुनिया का क्या बोझ उठाएंगे? नहीं उठा रहे, कह रहे जनता के नायक बन चुके हैं इस समय राहुल गांधी, जनताओं की बात कर रहे हैं। ये वो कांग्रेस वाले कह रहे होंगे, चार लोग मिलकर अगर कह रहे हैं तो वो कहना कहना नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी ने इतने काम किए हैं महिलाओं के लिए, इतने काम किए हैं कि उसको युवाओं के लिए, हर वर्ग के लिए भारतीय जनता पार्टी ने काम किए हैं और माय मामा जी ने काम किए, भारत की पूरी जनता बीजेपी के साथ है। राहुल गांधी कह रहे हैं जब मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार करेंगे तो जैसे पहले सरकार बनाती कांग्रेस की ऐसी अब बना देंगे। ये तो ख्याली पुलाव है, ख्याली पुलाव वो लोग पकाते हैं। राहुल गांधी के बारे में क्या कह रहे हैं? आशाओं के फूल खिलाने दीजिए उनको, खिलेगा तो हमारा कमल का फूल ही खिलेगा। कमलनाथ जी, कमलनाथ जी नहीं, कटे हाथ को नहीं चाहिए, नहीं करप्शन नाथ नहीं चाहिए हमको, कलंक नाथ नहीं चाहिए हमको, भारतीय जनता पार्टी चाहिए, मोदी जी चाहिए, शिवराज सिंह चौहान जी चाहिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहिए। नरेंद्र मोदी जी ने हम लोगों को बहुत सुविधाएं दी है और नरेंद्र मोदी ही दोबारा से आएंगे। मैम एक सवाल ये है, अभी गठबंधन की तरफ से एक नेता है स्टालिन, उनका जो बयान आया था सनातन धर्म को लेकर, तो उस पर भी काफी चर्चा शुरू हो चुकी है। शिवराज जी कह रहे हैं कि अगर कमलनाथ जी की सरकार मध्य प्रदेश में बन जाती है तो भजन कीर्तन भी बंद हो जाएंगे। हाँ ये सही बात है। ये देखिए मतलब हिंदू नहीं और सनातन, सुनिए सनातन भारतीय, देखिए भारतीय संस्कृति और सनातन को बचाने में नारी की बहुत बड़ी भूमिका रही है। हम नारियां आगे आएंगे अपने सनातन को बचाने के लिए। सनातन को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी बहुत जरूरी है, क्योंकि कांग्रेस तो हमेशा से सनातन के खिलाफ ही रही है और उसको नष्ट करने पर ही तुली हुई है। जी तो बजरंग बली के भक्त बताते हैं अपने आप। अरे ऐसे कोई किसी का भी भक्त बता देगा, बताने से क्या होता है, सब भक्त हैं, हम सब भक्त हैं ना। और शिवराज जी क्या भक्त नहीं है? वो भी शिव शंकर, शिवराज जी भक्त नहीं है, रामेश्वर भक्त, कौन भक्त नहीं है बताइए, सारे नेता भक्त। लेकिन हनुमान भक्त तो कमलनाथ जी। अरे भाई कैसे बताएंगे, हनुमान भक्त विश्वास सारंग जी भी है, हनुमान भक्त कमलनाथ जी है, तो शिव भक्त शिवराज जी हैं, तो उन्हीं का अंश ना है, तो उन्हीं का अंश भाई, हनुमान भी तो शिव का ही अंश है, तो जब पिताजी हमारे अच्छे हैं तो बच्चे तो अच्छे होंगे ही जी। क्या लगता है मतलब जो टिप्पणियां होती रहती हैं सनातन धर्म को जो लेकर बात करते रहते हैं, क्या लगता है यही चुनाव का मुद्दा रहता है, गठबंधन यही सोचता है कि गाली दे देता है? बोलने के लिए कुछ भी नहीं है तो वो छोटी छोटी कुछ भी चुमटियां लेके बोलने को तत्पर रहता है। सनातनी तो वो भी होगा ना, नहीं होगा, खून तो उसका भी लाल होगा ना। वो तो कहते हैं सनातन धर्म जो है वो भेदभाव पैदा करता है ऑस्ट्रेलिया बाहर, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ये तो कांग्रेस टिप्पणियां की जाती है। ये तो कांग्रेस ने धर्म में बांट दिया है, सनातन तो हमारा पूरा भारत है, सनातन ने कभी मुस्लिम नहीं करा, कभी सिख ईसाई नहीं किया, भारतीय जनता पार्टी हर धर्म को लेकर चली है। आज कांग्रेस के पास कोई मुद्दे नहीं है, वो धर्म को आगे ले रही है, सनातन को आगे ले रही है, सनातनी तो सभी हैं।